मॉर्निंग दोस्तों, एक नया दिन, नई शुरुआत। आज जा रहा हूँ मैं उस्मान गाजी के टॉम और ओरहान गाजी के टॉम। बड़ी अच्छी ब्राइट सनी मॉर्निंग है और वहाँ पर जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि वहाँ का कैसा मौसम है। सुना है बड़ी ठंड है। आप देख सकते हैं कि ये जो टॉप दिख रहा है आपको, ये टॉप है तूफ़ान टावर, इसकी बैक साइड पर है उस्मान गाजी और ओरहान गाजी। तो जाता हूँ और आपको बताता हूँ और देखते हैं कैसा समा है। ब्रेकफास्ट का भी मूड हाइट पर जाकर ही करने का है, तो आइए चलते हैं। शहर के बीचों बीच स्टेयर्स ऑटोमेटिक एलिवेटर ले जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि हाइट है। माशाल्लाह क्या इंतजाम है यहाँ पर। सुल्तान केपीसी, जो कि इंग्लिश में कहा जाता है सुल्तान गेट, इनकी जो कि यहाँ पर इन्होंने तारीख लिखी है उसके मुताबिक यह है कि ये गेट जो कि बुर्सा शहर का ख़ास तौर पे जो ईस्टर्न हिस्सा था वो कवर करता था, खुसूसन स्पाइस और सिल्क की ट्रेड के लिए। और सुल्तान महमद ने इसको 1461 के अंदर इसको रेनोवेट किया था। ये बहुत मेन रास्ता हुआ करता था, ख़ास तौर पर मछली की रास्ता। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस्मान गाजी और ओरहान गाजी के मज़ार पर। आइए अंदर चलते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये मेरा एक ड्रीम था जो कि आज पूरा होने लगा है। मैं जाता हूँ और सबसे पहले जाऊँगा उस्मान गाजी के मज़ार पर, फिर उनके साहबजादे ओरहान गाजी के मज़ार पर, और आपको यहाँ का फिर और मज़ीद विज़िट करवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि टेलीफेरिक जो कि बुर्सा के अंदर जो फर्स्ट टाइम जो पहली टेरिफेरिक चली थी, जिसे यहाँ पर जो कि मैं लेकर जाऊँगा आपको वहाँ पर भी, केबल कार्स थी वो, तो वो इन्होंने यहाँ पर एक यादगार के तौर पर रखी है, तो वो भी दिखाऊँगा। और आइए ज़ियारत करते हैं उस्मान गाजी के कबर की और ओरहान गाजी की। आइए इनके सीधे हाथ की तरफ इनके ग्रैंड सन्स हैं इब्राहिम और ओरहान की जोजा मोहतरमा, जिनका नाम था ओस्पोर्चा हाथों। और आइए आपको ले चलते हैं राइट साइड पे जो उस्मान गाजी की कब्र के साथ है, उसमें जो है उनके लाडले छोटे बेटे शहजादे अलाउद्दीन और साफची पे जो कि सन ऑफ मुराद वन है, जो 1385 के अंदर शहीद हुए थे। आइए अब चलते हैं ओरहान गाजी के मज़ार पर और वहाँ दुआ करते हैं। जी तो जनाब हाजिर हैं ओरहान गाजी साहब के मज़ार पर, बहुत खूबसूरत सादगी, बहुत खूबसूरत। इसके साथ इनके राइट हैंड पर है सन ऑफ बेयज़िद वन, और इनके साथ ओरहान गाजी की वाइफ जिनका नाम था नीलोफर हैतून, वो इनके राइट साइड पर। आइए लेफ्ट साइड पर दिखाते हैं। ये सन ऑफ सेम ये हैं, और कुछ तख्तियाँ नहीं लगाई हैं, लेकिन यहाँ के जो खादिम हैं उनसे कुछ मालूमात हासिल हुई हैं।
और आपको बताता चलता हूँ एक और जो कि बहुत जांबाज समझे जाते थे, ठीक है, वो थे शहजादे मूसा जलेबी। उनकी बिल्कुल कोने में है और उनका जलाल, उनका रुतबा बहुत ज़्यादा था, ख़ास तौर पे जंग के मैदान के अंदर बड़ा किरदार अदा करते थे। जी तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट एट बुरसा तूफान चावा और मैंने लिया है एक नेस्कैफे, इसके साथ है एक पेस्ट्री जो कि है चॉकलेट फज पेस्ट्री जो कि है मेरी फेवरेट। ओह माय गॉड, लग गई। बट सी दिस वन, मैं इसको एंजॉय करता हूँ और आप लोगों के साथ बना रहे हैं। आप लोग भी मेरे साथ बने रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई गलतियां चीज़ें हो जाए तो उसको नज़रअंदाज करें। शुक्रिया। जी तो जनाब, ये है तूफ़ान टावर। इसको यूज़ किया जाता था ऑटोमन एम्पायर की आर्मी की तरफ से मॉनिटर करने के लिए कि अगर कोई बुरसा पर अटैक कर रहा है या दूर से किसी ट्रूप की किसी की आमद हो रही है तो ये दूर से देखकर ज़रूरत के इंतजाम किया करते थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया है इस टावर ने और इसीलिए इन्होंने अब तक इसको बिल्कुल उसी हालत में ही बिल्कुल जिंदा रखा हुआ है। इसके अंदर खैर जाना अलाउ नहीं है, इसकी तस्वीरें सिर्फ बाहर से बना सकते हैं, क्योंकि जब आप इतने ऊंचे पॉइंट पर आते हैं तो वैसे ही आपको इतना खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा होता है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखो पूरा साफ आप देख सकते हैं माउंटेंस जो के हैं, ये सारी उलूजा की माउंटेंस हैं और ये सारा बुरसा खूबसूरत बुरसा। टेलीफेरिक थी जिसे इन्होंने यहाँ पर एक यादगार के तौर पर रखा है। हवा का बहुत शोर है क्योंकि हम बुलंदी पर हैं, तो बहुत बहुत माजरत। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको साउंड और जो है वो नॉइज़ ज़्यादा ना सुनाई दे। तो मैं हूँ इस वक्त बुरसा में और ये कहलाता है तूफ़ान टावर, दरख्तों के पीछे शायद। इस टेलीफेरिक के साथ इन्होंने एक गैलरी बनाई है जहाँ से पूरे बुरसा का एक एरियल व्यू मिलता है। आइए कुछ झलक उसकी भी आपको दिखाते हैं।